अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ फौजिया हशमत। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट टोस्ट। चॉकलेट टोस्ट बनाने के लिए मेरे पास ये चीज़ें हैं, जिसमें है ये दो चम्मच चीनी के हैं, एक चम्मच कोको पाउडर है, एक अंडा है, और ये दूध भी मैं अभी मेरे पास हाफ कप है। फिर मैं देखूंगी मुझे कितना चाहिए। ये स्लाइस है, इसको मैंने तीन स्लाइस है मेरे पास, इसको मैंने इसकी साइड्स उतार के इसको इस शेप में मैंने काट लिया। और ये घी है मेरे पास, देसी घी है, तो इस बाउल में हम मिक्स करेंगे ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये अंडा है मेरे पास, एक अंडा है, और फिर ये चीनी में डालूंगी इसमें दो चम्मच, अगर आप ज्यादा आपको मीठा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। ये मेरे पास कोको पाउडर का एक चम्मच है, ये मैं सारा डाल दूंगी इसमें। और ये दूध है, दूध हाफ कप है, मैं देखती हूँ इसमें कितना डालना है मुझे। दूध मैंने हाफ कप से कम डाला है, इसको अच्छी तरह, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर चीनी मिक्स नहीं होगी, या फिर आपके पास पिसी हुई चीनी होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गए, ये इसको मैंने बीट कर लिया है, चॉकलेट, अंडा और थोड़ा सा दूध। दूध मैंने आधा कप नहीं डाला, थोड़ा सा दूध डाला है मैंने इसमें, अंडे के हिसाब से, एक अंडे के हिसाब से इतना ही दूध डलेगा। और कोको पाउडर डाला है, चीनी, दूध, ये सब कुछ मिक्स कर लिया। अब हम फ्राई करेंगे इसको देसी घी में। ये तवे के ऊपर मैं देसी घी डाल रही हूँ। मैं इसको स्लो आंच पे कर रही हूँ फ्राई। ये फ्राई हो गए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। ये हमारे चॉकलेट टोस्ट तैयार हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत मजे के हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन है, बच्चे खुश भी बहुत होते हैं चॉकलेट से। और ये बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं, स्नैक टाइम शाम को दे सकते हैं, बच्चों को सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं। अंडा, दूध, सब कुछ इसमें बहुत हेल्दी है, देसी घी में बने। ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।